देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कंडक्टर भर्ती परीक्षा में बड़ी लापरवाही, शिमला के निजी विश्वविद्यालय में बनाए गए सेंटर से गड़बड़। हजारों यूजी छात्रों का रिजल्ट रुका, आधे अधूरे परिणाम के साथ पीजी में कैसे लेंगे दाखिला। क्लास वन अफसर बन सकेंगे सरकारी स्कूलों के छात्र, शिक्षा विभाग ने बनाई सुपर 100 योजना की गाइडलाइन। बल में एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खिलाफत, किसान सभा ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। हिमाचल में कोरोना के 104 नए मामले, एक्टिव केस की कुल संख्या 2605। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन भक्तों ने की मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, मंदिरों में कम रही भीड़। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, बड़े होटल पैक, छोटे कारोबारी मायूस। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में रविवार को आयोजित HRTC कंडक्टर भर्ती लिखित परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही यह पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो गया। यह बड़ी चूक शिमला से हुई है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को कंडक्टर भर्ती लिखित परीक्षा में बड़ी चूक सामने आई। शिमला स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र से एक अभ्यर्थी ने क्वेश्चन बुकलेट को व्हाट्सएप पर लीक कर दिया। इसके बाद चंद ही मिनटों में पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल छोटा शिमला थाना पुलिस ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है, जबकि SP मोहित चावला भी खुद मामले को देख रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि निजी विश्वविद्यालय में इस तरह की बड़ी लापरवाही कैसे अपनाई गई? क्या अभ्यर्थियों की चेकिंग नहीं की गई थी या फिर इसमें भी कोई साजिश है? बता दें कि HRTC में कोई भी भर्ती हो, विवाद हमेशा ही रहता है और अधिकतर मामले अदालत में ही सुलझते हैं। यहां जान लें कि कंडक्टर के 568 पद भरने के लिए 60,000 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे और प्रदेश भर में 304 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसके तहत शिमला में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री अबव 90% फॉर BTech, MTech, BHMCT एंड MTTM। 20% डिस्काउंट इन ट्यूशन फी एंड 100% इन सिक्योरिटी फॉर ऑल द न्यू एडमिशन इन UG एंड PG कोर्सेज फॉर फुल कोर्स। University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D-Pharma, B-Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आधे अधूरे रिजल्ट के साथ कैसे पीजी छात्रों को दाखिला देगा, यह सवाल हजारों छात्रों के जहन में उठ रहा है। प्रदेश में 20 अक्टूबर से पीजी दाखिले की प्रोसेस शुरू होनी है। वहीं कॉलेज छात्रों को अपनी मेरिट ऑनलाइन वेबसाइट पर डालनी है। अब उलझन ये है कि बिना रिजल्ट के कैसे BCom, BBA व BVoc के छात्र ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना रिजल्ट भरें। यही वजह है कि अब तमाम छात्र संगठनों ने HPU के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि ABVP इकाई अब राज्य सरकार तक मसले को उठाने जा रही है। करीब 20,000 छात्र ऐसे हैं जिनके रिजल्ट विश्वविद्यालय प्रशासन घोषित नहीं कर पाया है। हालांकि HPU का तर्क है कि अगर 19 तक रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो छात्रों को मौका दिया जाएगा। फिलहाल रिजल्ट विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए फांस बना हुआ है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के अब क्लास वन अफसर बनने की राह आसान हो जाएगी। सुपर 100 योजना प्रदेश के कई बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगी। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सुपर 100 योजना सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी। राज्य सरकार अगले सत्र से स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना शुरू कर रही है। इससे 10वीं में टॉप के 100 छात्रों की मेरिट निकाली जाएगी और चयनित छात्रों को 1 लाख तक की राशि सरकार देगी।
यह राशि IAS, IPS या इस तरह के क्लास 1 व 2 अफसर बनने के लिए किताबें व दूसरा मटेरियल खरीदने के लिए मिलेगी। योजना के लिए शिक्षा विभाग सख्त नियम बनाएगा और छात्रों को दिए गए बजट खर्च का ब्यौरा मांगा जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि राशि का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। शिक्षा विभाग ने योजना की गाइडलाइन तैयार कर दी है। मंडी के बल्ह वैली में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। आइए जानते हैं क्या कह रही है स्थानीय जनता। बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति, हिमाचल किसान सभा, सरकाघाट समिति व हिमाचल प्रदेश ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन मनाली ने संयुक्त रूप से बल्ह में एयरपोर्ट की खिलाफत की है। सभी ने कहा है कि बल्ह के बजाय जाहूडली में हवाई अड्डा बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा एक मांग पत्र भी भेजा है। बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंद्र वालिया ने कहा कि क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे से न केवल प्रदेश की सबसे उपजाऊ जमीन किसानों से छिन जाएगी बल्कि 2000 परिवारों का विस्थापन भी होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाहूडली जगह बिल्कुल उपयुक्त है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पर राहत ये भी है कि उससे ज्यादा संख्या में केस रिकवर भी हो रहे हैं। पेश है आज की कोरोना अपडेट। हिमाचल में रविवार शाम 5 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन के तहत कोरोना के 104 नए मामले सामने आ चुके थे। राहत की खबर ये है कि आज किसी भी कोरोना पॉजिटिव की मौत नहीं हुई। जिलावार नजर दौड़ाएं तो मंडी जिला में सबसे ज्यादा 32 नए मामले कोरोना संक्रमितों के आए, जबकि कांगड़ा में 23 लोग पॉजिटिव निकले। इसी तरह हमीरपुर में 16, चंबा, कुल्लू और शिमला में 8-8, जबकि सोलन में 6 और बिलासपुर में 3 नए मामले संक्रमण के पाए गए। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,901 हो गई है, जबकि 16,001 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि वर्तमान में 2,605 ही एक्टिव केस हैं। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन रविवार को मां भगवती दुर्गा के दूसरे विग्रह मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान प्रदेश भर के शक्तिपीठों में कुछ ऐसा रहा माहौल। कोरोना महामारी के चलते हिमाचल के शक्तिपीठों में इस बार पहले जैसा माहौल नहीं है। हालांकि हिमाचल सरकार ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खासे इंतजाम कर रखे हैं, पर कम संख्या में ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। रविवार को भी प्रदेश के शक्तिपीठों में ज्यादा भीड़ नहीं जुटी। हालांकि बाहरी राज्यों से मंदिरों में श्रद्धालु जरूर माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे, पर संख्या उतनी नहीं रही जितना कि कोरोना संकट से पहले हुआ करती थी। जो भक्त मंदिर पहुंचे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही माँ के पावन दर्शन करवाए गए। इस दौरान पुलिस जवान व होमगार्ड भी कोविड नियमों का पालन करवाते दिखाई दिए। मंदिरों में सरकार की SOP के चलते भी श्रद्धालु भोग प्रसाद आदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दर्शन कर ही उन्हें लौटना पड़ रहा है। हिमाचल में अब पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो गई है। वीकेंड पर प्रदेश के बड़े होटल सैलानियों से पैक रहे, मगर छोटे होटलों में पर्यटकों की संख्या कम रही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश के पर्यटक स्थलों में वीकेंड पर रविवार सुबह से ही सैलानियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। राजधानी शिमला के रिज व माल रोड पर दिन भर सैलानियों को मौज मस्ती करते हुए देखा गया। ऊपरी शिमला के अन्य पर्यटक स्थलों पर भी यही आलम रहा, मगर होटल कारोबारियों की माने तो इस वीकेंड पर ऑक्यूपेंसी दर कम ही रही। बात अगर प्रदेश के दूसरे पर्यटक स्थलों की करें तो मैक्लोडगंज, मनाली, डलहौजी सहित कई स्थानों पर पर्यटकों की चहलकदमी देखी गई। कारोबारियों ने उम्मीद लगाई कि अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, बाहरी राज्यों से सैलानियों ने भी प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आगामी दिनों के दौरान सैरगाहों में रौनक बढ़ जाएगी, वहीं होटलों में भी कारोबार बढ़ने की संभावना है। हिमाचल की रातें अब सर्द होने लगी हैं और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पेश है आज की वेदर रिपोर्ट। प्रदेश में 24 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिले रहेगी, मगर तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। बात अगर रविवार की करें तो दिन भर चटक धूप खिली रही, मगर शाम होते ही शीतलहरों का प्रवाह शुरू हो गया। ठंडी हवाएं चलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित मैदानी इलाकों के तापमान में भी गिरावट आई है। कल्पा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि केलांग, कल्पा व मनाली में रात के समय जनता को अत्यधिक ठंड झेलनी पड़ रही है। और अब चलते चलते हिम आंचल टैक्सी यूनियन की चेतावनी, रोहतांग रोपवे बना तो कर लेंगे आत्मदाह।
झंडूता में विवाद सुलझाने गए पुलिस कर्मचारियों पर हमला, वर्दी फाड़ी। चंबा के चुराह में आधा किलो चरस संग पकड़ा युवक, तीसा थाना में केस दर्ज। और हिमाचल में 26 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे मजदूर, सभी उद्योग व संस्थान रहेंगे बंद। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर के हम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।